टेंशन नगू लेने का बाबा, मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। मतलब जब आप पार्टी के बारे में सोचते हैं तो ये सोचिए आप कहाँ पे जा रहे हैं। अगर आप डिस्क में जा रहे हैं तो आपकी ड्रेस एकदम सिजलिंग हॉट होनी चाहिए। अगर आप ऐसी पिकनिक पार्टी पे जा रहे हैं, दिन की कोई बर्थडे पार्टी है, मैगडी वगैरह में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसका एक अलग अटायर होता है। फिर कॉलेज की पार्टी अलग होती है, स्कूल की पार्टी में जा रहे हैं तो अलग होता है, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो अलग होता है। तो आई थिंक हर ओकेजन पर पार्टी ड्रेसेस अलग होती हैं। बट ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि हम जो नॉर्मली ड्रेस पहनते हैं वो कहीं से कहीं तक पार्टी ड्रेसेस नहीं कहलाती हैं। फिलहाल यहाँ पे एक ड्रेस मैं आपको नेवी ब्लू में बताने वाली हूँ। ये जो टबी ने भी पहन रखी है, इधर आप देख सकते हैं, दिस इज़ ब्यूटिफुल ब्लू कलर, सी ब्लू कलर है, और इसके बीच में बेल्ट दिया हुआ है। द थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ बेल्ट वाले जो ड्रेसेस होते हैं जिसमें सेंटर बेल्ट होता है या फिर कुछ डिफरेंट हॉरिजेंटल वर्टिकल बेल्ट होते हैं, बेल्ट्स आर ऑलवेज इन ट्रेंड्स। आप अगर बेल्ट वाले वन पीस लेते हैं, बेल्ट वाले टॉप लेते हैं तो पार्टी में हमेशा अच्छे लगते हैं। बेल्ट एक नॉर्मल सी ड्रेस को बेल्ट बहुत गॉडी और बहुत ही पार्टी वाला बना देता है। तो अगर आप नॉर्मल, आपके पास ड्रेस भी है, आपके पास वन पीस है, जो आपको लग रहा है यार ये पार्टी टाइप नहीं लग रहा है, पर बचत नहीं है कि मैं एक नया आउटफिट खरीदूँ, तो आप एक अच्छा हैवी बेल्ट लेकर उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। आई एम डैम श्योर वो बेल्ट आपके पूरे अटायर को चेंज कर देगा और बहुत खूबसूरत बना देगा और एक हैवी लुक भी दे देगा। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस ड्रेस की। दिस इज़ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर ड्रेस, बट कहने का मतलब ये है कि इस पर आप देख सकते हैं दिस इज़ सिक्वेंसिंग। सिक्वेंसिंग आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, बिकॉज ये दिखता भी नहीं है वर्क और ये एक पूरे कपड़े में शाइन डाल देता है ये वर्क। सिक्वेंसिंग जो होती है, छोटी छोटी बारीक बारीक पास 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 में सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, सिक्वेंस किया जाता है, और इस सिक्वेंसिंग का वन पीस है जो बहुत खूबसूरत है। ये नाइट पार्टीज में बेसिकली सबसे अच्छा लगता है, जब लेजर पार्टी में जाते हैं या फिर आप डिस्क में जा रहे हैं और अंधेरा है, तो उसमें आपकी ड्रेस चमक के आएगी और पार्टी में आप अलग ही शानदार लगेंगे। यहाँ पे एक और सिक्वेंसिंग दी हुई है, दिस इज़ टॉप, वन पीस देखा था, ये टॉप है, ये सिक्वेंसिंग भी खूबसूरत लग रही है और बहुत गॉडी लुक ना देते हुए बहुत ही सटल लुक भी देता है आपको। आगे बढ़ते हैं सिक्वेंसिंग से एक गाना मुझे याद है, ओ जरा जरा टच मी टच मी टच मी, उसमें भी कटरीना कैफ ने सिक्वेंसिंग वाली ड्रेस पहनी हुई है। वेल, इस कलर के साथ क्यों घबराते हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता। ये गोल्डन कलर है, खूबसूरत कलर है, गोल्डन कलर से क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप गोल्डन कलर पहनेंगे तो सिर्फ आप ही दिखाई देंगे और अच्छे नहीं दिखेंगे और बहुत गाड़ी हो जाएगा। गोल्डन कलर बाय गॉड कसम, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्डन कलर, मैं एक बात कहना चाहूँगी, आजकल इतना ट्रेंड में है, जितने भी पार्टी मीनियाक्स होते हैं वो गोल्डन कलर की ड्रेसेस प्रेफर करते हैं। ये तो एक वन पीस है, आप गोल्डन कलर का श्रग ले सकते हैं, जो आप ब्लैक कलर की इनर के साथ गोल्डन कलर का श्रग डाल सकते हो, माई गॉड व्हाट अ कॉम्बिनेशन। फिर आप गोल्डन कलर के टॉप ले सकते हैं, आप गोल्डन कलर का वन पीस ले सकते हैं, गोल्डन कलर की एक्सेसरीज उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो एक पार्टी वाली फील भी आएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। आजकल जो गोल्डन कलर के पॉचूज भी बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कूल लगते हैं। तो आप अपने जो भी स्पेगेटी ले रहे हैं, टी बैग ले रहे हैं, उसके ऊपर आप गोल्डन कलर का पॉचू डाल लीजिए, क्या खूबसूरत लुक तैयार होगा, आप देखते ही बनेगा वो। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस ड्रेस की। दिस इज़ वेलवेट, वेलवेट ड्रेस, जो वेलवेट में कलर इसमें मरून दिया हुआ है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं बहुत ही अच्छे से कि वेलवेट इट्स ट्रूली एंड ट्रूली पार्टी फैब्रिक। वेलवेट हम नॉर्मली नहीं पहनते, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बारिश के टाइम पे तो वेलवेट बहुत ख़राब हो जाता है, समर्स में बहुत गर्मी लगती है वेलवेट में, बट जब भी पार्टी की बात आती है तो वेलवेट बहुत ही लैविश एंड रॉयल लुक देता है पार्टी में। अगर आप किसी ऑफिस की पार्टी में जा रहे हैं या फिर कहीं आपको झांकीबाजी करनी है ना, तो आई थिंक वेलवेट बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। उसमें आप वन पीस टॉप वगैरह ले सकते हैं। आपकी किटी में बहुत ज़्यादा वेलवेट ना भी हो, बट एक दो आउटफिट तो आपके पास होने चाहिए वेलवेट के, उसके साथ आप अच्छी अच्छी एसेसरीज कंबाइन कर सकते हैं। वेलवेट इटसेल्फ जो होता है वो शाइनी मटेरियल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ काम करवाने की ज़रूरत नहीं। आजकल तो बड़े बड़े लहंगे और ये सब बनता है, इसमें भी वेलवेट वर्क होता है, तो वेलवेट का एक कुछ आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे फ्रिल टॉप है, फ्रिल से मेरा मतलब है फ्रिल होनी चाहिए,
लेसेस वाले टॉप्स आप ले सकते हैं, बो वाले टॉप्स आप ले सकते हैं, तो वो एक अलग ही मैजिक क्रिएट करेंगे। वेल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको पार्टी टॉप्स में, पार्टी आउटफिट्स में बताने वाली हूँ, तो आइए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। वेल मेरे पास जो डमी है उसने भी एक बहुत ही अच्छा आउटफिट पहना हुआ है जिसमें बीड वर्क किया गया है, पूरा बीड्स लगाए गए हैं, बारीक बारीक बीडेड सीक्वेंसिंग की गई है। तो ये बेसिकली अगर आप दिन में कहीं पार्टी कर रहे हैं और दिन का कोई फंक्शन है, पार्टी वार्टी करने गए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये एक्चुअली डे फंक्शंस में इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है, रात को ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते बिकॉज ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग होते नहीं है। तो ये दिन के फंक्शंस में आई थिंक बहुत क्लासी लुक देने वाले हैं, आपके आपकी पार्टी को और ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। वेल वन पीसेस की बात करूँ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वन पीस आर ऑलवेज इन ट्रेंड। आप जब भी पहनते हैं इवनिंग गाउन्स ले लीजिए या फिर वन पीस ले लीजिए। इवनिंग गाउन्स बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग कैरी नहीं कर पाते हैं, उसकी लेंथ अच्छी होती है और कई लोगों को उसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो आप वन पीस ट्राई कर सकते हैं। इन्हें आप पार्टी के बिना भी नॉर्मली पहन सकते हैं, बट ये वाला वन पीस बहुत खूबसूरत है। ये एक्चुअली पार्टी टाइप है, इसमें सीक्वेंसिंग की गई है और नीचे पूरा फ्रिल दिया गया है जॉर्जेट मटेरियल पे, फ्रॉक टाइप पैटर्न इसे बनाया गया है, तो ये एक बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आप क्यूट भी लगेंगे, अच्छे भी लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला वन पीस मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए ग्लिटरी है, फ्लोरल है, बट फ्लोरल पे ग्लिटरी टच दिया गया है और बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें डिफरेंट पैटर्न भी है, तो मुझे ऐसे कुछ वन पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें थोड़ी शाइन होती है, ब्रोकेट मटेरियल का कोई डिज़ाइन हो सकती है, टच हो सकता है, वर्क हो सकता है। शिफॉन पे आप जा सकते हैं, शिफॉन के आजकल टॉप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, शिफॉन के शर्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, तो आप ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। और वन पीसेस में आप अच्छे गुड वाइब्रेंट कलर्स पे जाइए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जब पार्टी करते हैं तो डल कलर्स पे मत जाइए, वाइब्रेंट कलर्स पे जाइए। लाइवली कलर्स जो होते हैं जैसे कि रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जो अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं आप उन कलर्स पे जाइए। नियॉन कलर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, तो नियॉन कलर्स पे जाइए। आप अलग अलग फैब्रिक्स पे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आप चिकन के वन पीस ले सकते हैं, आप डिफरेंट फैब्रिक्स के साथ जा सकते हैं, शिफॉन के वन पीस ले सकते हैं, जॉर्जेट के वन पीस ले सकते हैं, कॉटन, आई डोंट थिंक सो, कॉटन बहुत अच्छा लगता है जब हम पार्टी टाइप करते हैं। हाँ, कॉटन दिन के टाइम पे अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो कॉटन के फ्लोरल प्रिंट्स पे आप जा सकते हैं, तो वो अच्छा भी दिखेगा। बट हाँ, आप पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर रखें कि आपको कहाँ जाना है, क्या पहना है, कैसे अपने आप को शो करना है, कैसे लोग आने वाले हैं ऑफिस की पार्टीज़ में। अलग ऑफिस की पार्टीज़ में ब्लैक कलर का कोई अच्छा सा वन पीस आप पहन के जा सकते हैं, बहुत ही सिजलिंग एंड हॉट लगेगा। उस पर आप ब्लैक में भी वेलवेट का पहन सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो बताया वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था आउटफिट का, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कैसे कैसे आउटफिट्स पहनने जब आप पार्टी करने जाते हैं। पार्टी में जाएं तो एक अच्छे आउटफिट के साथ एक अच्छा फुटवेयर ज़रूर कैरी करें और एक अच्छा सा बैग भी आपके पास होना चाहिए, हैंडबैग। ऐसा नहीं है कि बस ड्रेस अच्छी हो गई तो आप निकल लिए पार्टी के लिए, पूरा एक लुक जो क्रिएट होता है वो आपका बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके साथ अच्छी अच्छी एसेसरीज आप कंबाइन कर सकते हैं, एक अच्छा नेक पीस ले सकते हैं। अगर आपका जो गॉडी नहीं है, आपका वन पीस या आपका जो भी टॉप है वो गॉडी नहीं है, तो उसके साथ एक अच्छा सा नेक पीस ले लीजिए, या फिर हाथ में आप खूब सारे बीडेड चीज़ें ले सकते हैं, खूब सारे बैंगल्स पहन सकते हैं, अच्छा खासा सटल मेकअप कीजिए जिस हिसाब से आप जिस पार्टी में जा रहे हैं, तो जो पूरा लुक आपका क्रिएट होगा ना वो बहुत ही स्टनिंग होगा। एंड बाय गॉड की कसम, अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं करा तो मेरा नाम आप पलट दीजिएगा। वैसे मेरा नाम मत पलटना, बड़ी मुश्किल से नाम रखा है मेरा। बट ये आपको कैसा लगा आउटफिट मेरा, ये आप मुझे फीडबैक के थ्रू बता सकते हैं, feedback@gmail.com पे। आप हमें और किसी चीज़ पे अगर आप हमारे सजेशंस चाहते हैं, आउटफिट देखना चाहते हैं, या किसी चीज़ पे आप चाहते हैं कि हम आपको कोई ना कोई टिप दें, तो आप हमें हैथवे बीटीवी युवा की जो वॉल है उस पर भी पोस्ट कर सकते हैं, पेज पे आप लाइक कर सकते हैं। ऑन दिस नोट, दिस इज योर चारो बॉस जुई साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन महेश सेंगर। बट यू गाइस कीप वॉचिंग बीटीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वही द स्टाइलिश यंगस्टर्स का।